Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav, and today in this video we are going to cover two main concepts of economy, law of demand and law of supply. इन दोनों कॉन्सेप्ट को बिना समझे आप इकोनॉमी की फीलिंग नहीं ले सकते हैं. इकोनॉमी को समझना है, इन दोनों लॉज को समझना बहुत जरूरी है. और इकोनॉमी कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम इकोनॉमी के मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए ला रहे हैं. आई होप कि आपको मजा बहुत आ रहा होगा. अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा. तो आज समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है. एकदम डेप्थ में जाकर विथ फीलिंग हम समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग. तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई. इन दोनों को समझने से पहले आपको दो कंडीशंस याद रखनी है. कंडीशन क्या है कि जिन भी गुड्स की हम बात कर रहे हैं दे आर होमोजीनियस. उनकी क्वालिटी क्या है? होमोजीनियस है. होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स यानी एक तरह की क्वालिटी है सभी गुड्स की. एंड दूसरी कंडीशन ये है कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो उस गुड्स के लिए बहुत ढेर सारे बेचने वाले भी हैं और बहुत ढेर सारे खरीदने वाले हैं. इन दो कंडीशन के बिहाव पर ही ये लॉज बनाए गए हैं. ये दो कंडीशन कोई बताता नहीं, पर अपने दिमाग में रखिएगा. इन दो कंडीशन को लेने के बाद हम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई समझेंगे. यही अंतर है. आप जब चीजों को पढ़ते हैं तो कितनी डेप्थ में आप पढ़ते हैं यहां पर समझने वाली बात है. चलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं पहले वो समझते हैं. देखिए लॉ ऑफ डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है. अरे किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है भाई. यहां पर जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड करता कौन है? डिमांड हमेशा आप करते हैं. आप कौन है? आप कंज्यूमर हैं. तो जो कंज्यूम करता है, अनियन का कंजम्पशन कर रहे हैं, पोटैटो का कंजम्पशन कर रहे हैं, आलू वाले भैया आलू देना, आलू देना किसकी डिमांड? कौन डिमांड कर रहा है? आपको आलू चाहिए, आप कंज्यूम करेंगे. दैट मींस कि डिमांड जब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव. और अगर आप कंज्यूमर हैं, अगर आप कंज्यूमर हैं फील कीजिएगा, आप हमेशा अफोर्डेबिलिटी की बात करोगे. कोई चीज जितनी ज्यादा अफोर्डेबल होगी आप उसको उतना ही लेना चाहोगे. तो कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो जितना अफोर्डेबल होगा कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा करता है. दैट मींस कि अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में अगर आपको बोलूं तो जिसके प्राइस कम होते हैं उस गुड की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड होती है, यानी डिमांड ज्यादा होती है. इज दैट गुड? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर किसी गुड्स के प्राइस बहुत कम है तो उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा डिमांड करोगे. अगर किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा है तो आपकी क्वांटिटी उसकी कम डिमांड करोगे. अगर इसको अगर आप ग्राफ में देखें, लॉ ऑफ डिमांड की इस ग्राफ में देखें तो देखिए, मान लीजिए इसको एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल समझेंगे बहुत मजा आएगा आपको. आप अनियन का एग्जांपल लेते हैं. अनियन अगर मार्केट में, अनियन का प्राइस, यहां पर प्राइस है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी हुई है, ध्यान से देखिएगा. अगर अनियन का प्राइस है 100 रुपीज पर केजी, यानी 1 केजी अनियन का प्राइस है 100 रुपए, तब आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे या कम डिमांड करोगे? तब आप क्वांटिटी लेट से 1 केजी डिमांड करोगे. तो अगर 1 केजी, अगर आपके पास, मैं मान लेता हूं कि आपके पास 100 रुपए की नोट है यहां पर, तो अगर आपके पास 100 रुपए की नोट है, 1 केजी अनियन का दाम अगर 100 रुपए है, तो आप सिर्फ 1 केजी अनियन की डिमांड करोगे, ठीक है. लेकिन अगर उसी अनियन के प्राइस अगर 10 रुपीज पर केजी हो जाए, यानी 1 केजी अनियन का प्राइस अगर 10 रुपीज पर केजी हो जाए, 10 रुपीज हो जाए, तब आप कितना डिमांड करोगे अनियन का? तब आप 10 केजी अनियन का डिमांड करोगे विथ 100 रुपीज. समझे इस चीज को? तो 100 रुपए के अगर आपके पास पत्ती है, तो अगर अनियन का प्राइस ज्यादा है तो आप क्वांटिटी कम डिमांड करोगे, और अनियन का प्राइस अगर कम है तो आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है. अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें तो ऐसा बनता है, यानी इनवर्स रिलेशन है. प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है. जब प्राइस ज्यादा होगा गुड्स का तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी. समझ रहे हैं इस चीज को? फील हो रहा है? दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, चीजों के प्राइस कम होंगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे, चीजों के प्राइस ज्यादा होंगे तो आप क्वांटिटी कम डिमांड करोगे. अनियन के एग्जांपल से आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है. लेकिन किसके बात पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी, हमेशा याद रखिएगा, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी, क्योंकि कंज्यूमर ही डिमांड करता है. आइए लॉ ऑफ सप्लाई समझते हैं, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर लाएंगे. किस प्राइस पर आप खरीदेंगे ये कैसे पता चलेगा, समझते हैं भाई. तो अनियन के पास आपने देख लिया, अनियन का प्राइस देख लिया, और अपने अनियन की क्वांटिटी आप जितना डिमांड कर रहे थे वो आप बात आपने समझ ली. अच्छा लॉ ऑफ सप्लाई पे चलते हैं. लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है ये हमेशा सप्लायर के पर्सपेक्टिव से होता है. सप्लाई कौन करता है? सप्लायर ही सप्लाई करता है. दैट मींस कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो ये सप्लायर के पर्सपेक्टिव से होता है. अगर सप्लायर के पर्सपेक्टिव से होता है तो अगर आप सप्लायर ही किसी चीज के, लेट से फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, तो अगर फार्मर किसी अनियन का प्रोडक्शन कर रहा है, मान लीजिए अनियन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो जब फार्मर सप्लाई प्रोड्यूस करेगा तो फार्मर के दिमाग में क्या रहेगा? वो सप्लायर है, वो हमेशा किसकी बात करेगा? वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगा कि क्या मैं प्रोड्यूस करूं ऐसा जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, क्या मैं ऐसा प्रोड्यूस करूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो लॉ ऑफ सप्लाई में याद रखिएगा, सप्लायर हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगा, और लॉ ऑफ डिमांड में कंज्यूमर हमेशा अफोर्डेबिलिटी की बात करेगा. अगर सप्लायर अनियन की सप्लाई कर रहा है तो वो बताइए, अगर अनियन का प्राइस
₹10 पर केजी है, यानी एक केजी अनियन का प्राइस अगर ₹10 है और दूसरे केस में अगर एक केजी अनियन का प्राइस ₹100 है, तो किस केस में सप्लायर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, किस केस में उसके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा? आई होप कि आप बात समझ गए। जब ₹100 पर केजी होगा तो सप्लायर 10 केजी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, सप्लाई करने के लिए तैयार है, और अगर ₹10 पर केजी है तो सप्लायर करेगा यार इसमें प्रॉफिट नहीं है, मैं कुछ और प्रोड्यूस कर लेता हूं, मैं इसको सिर्फ 1 केजी ही प्रोड्यूस करूंगा। यानी यहां पर क्या है कि अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, और अगर प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस सप्लाई करेगा वो कम होगी। बात समझे इस चीज को, क्योंकि सप्लायर क्या देखता है, हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। अब देखो इन दोनों चीजों को, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, सिंपल है एकदम, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल क्या बोलता है कि अगर जिसके प्राइस ज्यादा होंगे उसका सप्लाई भी ज्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी, जिसके प्राइस कम होंगे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। ये बात आप समझ गए। अच्छा, इन दोनों को अगर हम साथ में देखें, यहां पर अगर आप चीज देखें, अब देखो यहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। देखो इस चीज को, लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या देखा था कि अगर प्राइस है ₹100 पर केजी तो डिमांड 1 केजी की है, पर सप्लाई करने वाला 10 केजी की सप्लाई कर रहा है। आई होप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो ₹100 पर केजी अगर अनियन का प्राइस है तो डिमांड करने वाला सिर्फ 1 केजी डिमांड कर रहा है, लेकिन सप्लाई करने वाला 10 केजी सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि यहां पर 9 केजी का सरप्लस आ रहा है। भाई आपने ज्यादा सप्लाई तो कर दिया क्योंकि मार्केट में प्राइस अच्छा है, तो आपने सप्लाई ज्यादा कर दिया, पर डिमांड कम है। अगर डिमांड कम है तो आपके पास सरप्लस रह गया। लेकिन उल्टा केस सोचिए, अगर ₹10 पर केजी है तो यहां पर डिमांड तो आपने 10 केजी की है, यानी डिमांड ज्यादा है, पर सप्लायर इंटरेस्टेड नहीं है। सप्लायर बोल रहा है कि मैं सिर्फ 1 केजी की ही सप्लाई करूंगा। दैट मीन्स कि यहां पर भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर डेफिसिट हो जाएगा, यहां पर डेफिसिट हो जाएगा। यानी इन दो चीजों पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिमांड करने वाला डिमांड जो कर रहा है, सप्लाई करने वाला एक केस में बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है और एक केस में उतना सप्लाई कर ही नहीं रहा है। आप दोनों केस समझ रहे हो, दोनों केस समझ रहे हो। यानी अगर कोई ऐसा एक मिड पॉइंट मिल जाए जहां पर डिमांड करने वाला उतने रुपए पर, उतने प्राइस पर, उतने केजी की डिमांड भी करने के लिए तैयार है और सप्लायर उतनी केजी की सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। लेट्स से अगर मैं मान लूं अनियन का प्राइस ₹50 पर केजी है, तो उस पर अनियन के जो डिमांड करने वाले हैं वो 5 केजी की डिमांड कर रहे हैं, 5 केजी की डिमांड कर रहा है, और सप्लायर भी जो है वो 5 केजी की सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। दैट मींस कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों यहां पर कहां पर आके मिल जा रहे हैं। दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यानी जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगा, यहां पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। इस प्राइस पर डिमांड करने वाला उतनी केजी की डिमांड भी कर रहा है उस प्राइस पर, और सप्लाई करने वाला उतनी सप्लाई भी कर रहा है उस प्राइस पर। दैट मींस कि यहां पर दोनों की बैठ जाएगी और यहां पर दोनों इतना ही डिमांड और इतना ही प्रोड्यूस करना चाहेंगे। दिस इज नथिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जहां पर डिमांड और सप्लाई एकदम मैच हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और डिमांड और सप्लाई को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने बोला है टू हैंड, द इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। मार्केट की ये इनविजिबल हैंड है, यानी दिखते नहीं है पर ये दो हाथ है मार्केट के। जब भी डिमांड और सप्लाई में अगर ये मिसमैच होता है, ये अपने आप यहां पर इक्विलिब्रियम पर ले आता है। यानी जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई अगर हम शुरू से देखें तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जितनी ज्यादा प्राइस होंगे उतना कम क्वांटिटी की डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई कहता है कि जितने ज्यादा प्राइस होंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड होगी। दोनों के जहां पर मिसमैच होता है, जहां पर वो मैच होते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, और वहां से डिटरमाइन होता है कि अनियन का प्राइस कितना होगा। यहां पर अगर देखें तो अनियन का प्राइस कितना होगा, अनियन का प्राइस होगा ₹50 पर केजी। ऐसे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इस तरह से प्राइस डिटरमाइन होता है। कैसे डिटरमाइन हुआ भाई, यानी ₹50 पर केजी वाले प्राइस पर 5 केजी को डिमांड करने वाले लोग भी हैं और 5 केजी की सप्लाई भी सप्लायर कर रहा है। दैट मींस दिस प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस प्राइस पर आपको अनियन मार्केट में मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, आई होप कि आपने विद फीलिंग इस चीज को समझा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।